अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे प्रोटीन लाइगिन डॉकिंग। प्रोटीन लाइगिन डॉकिंग बेसिकली होती क्या है, इसके अंदर हम जो है वो ऑप्टिमल बाइंडिंग देखते हैं बिटवीन प्रोटीन एंड लाइगेंड, और इसका मेन फंक्शन होता है ड्रग डिस्कवरी में। अब डॉकिंग करने के लिए हमें ये चार चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड्स, जिन्होंने जाके प्रोटीन के साथ अटैच होना है। नेक्स्ट हमारे पास है विजुअलाइजेशन टूल काइमेरा। देन हमारे पास वो बेस्ट मॉडल है, जब पहले हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन एंड एनालिसिस किया था तो जो बेस्ट मॉडल हमारे पास आया था, जिसकी वैल्यू सबसे अच्छी थी, उसको हमने डॉकिंग में यूज़ करना है। देन पायरेक्स, ये हमारे पास वर्चुअल स्क्रीनिंग टूल है, इसके ज़रिए हम डॉकिंग करेंगे। अब सबसे पहले करना क्या है कि हमारे पास जो है हमारा ये मॉडल, इसकी मिनिमाइजेशन करवानी है। सबसे पहले ये हमारे पास PDB फॉर्मेट में है, तो हम इसे ऐसे ड्रैग करके लेके जाएंगे काइमेरा पे। सबसे पहले जाएंगे टूल्स में, देन स्ट्रक्चर एडिटिंग, देन मिनिमाइज स्ट्रक्चर। इट विल टेक सम टाइम। अब इसकी मिनिमाइजेशन हो चुकी है, तो हम इसे PDB फॉर्मेट में सेव करेंगे। इससे मैं सेव करूंगी डॉक मिनिमाइजेशन के नाम से। वैसे मिनिमाइजेशन के नेम से करता है, लेकिन मेरे पास पहले ही काफी फाइल्स हैं इस नेम से, तो मैं इसे डॉक मिनिमाइजेशन के नेम से सेव कर रही हूँ। अब जब वो मिनिमाइज्ड फाइल जो है वो सेव हो चुकी है, हम पायरेक्स ओपन करेंगे। इसमें ऑटोडॉक पे जाके सिलेक्ट मॉलिक्यूल, यहां से हम अपना लाइगिंड ऐड करेंगे। ये वन बाय वन ऐड करेंगे 10। ये लाइगेंस ऐड हो गए, अब मैक्रोमोलिक्यूल को ऐड करेंगे जहां पे सेव किया था वो मिनिमाइज्ड फाइल। नेक्स्ट अब ये सारे लाइगेंस को पहले सेलेक्ट करके, देन मैक्रोमोलिक्यूल को सेलेक्ट करके स्टार्ट, देन फॉरवर्ड। लाइगेंस और मैक्रोमोलिक्यूल को सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे वाइना वेजेट पे, देन रन वाइना। अब ये जो हमारे पास ग्रिड आई है ना, इसको ये 2D स्ट्रक्चर को इसके अंदर फिट करना है। हर एंगल से देन फॉरवर्ड। अब ये हमारा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। It will also
टेक सम टाइम। देखें ये दो कंपाउंड का कंप्लीट हो चुका है, थर्ड रनिंग। अब वो तमाम कंपाउंड की प्रोग्रेस कंप्लीट हो गई थी, तो अब ये रिजल्ट आ गया। अब इसको जो है मैं एक्सेल शीट एक्सेल फॉर्म में हम इसे जो है वो सेव करेंगे। मैं डॉक वन के नाम से सेव कर लेती हूँ। अब जो फाइल सेव की थी उसे ओपन करें। अब यहाँ से ना ये माइनस में हमने वैल्यू देखनी है जो सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो कंपाउंड 8 की आई है। हमने यहाँ से ये देखना है किस कंपाउंड की सबसे ज्यादा वैल्यू आई है। कंपाउंड 8 की वैल्यू आई है, तो अब हम यहाँ से क्विक एसेस में जाके ये MGI टूल्स हेलिक्स मैक्रो मॉलिक्यूल डॉक मिनिमाइजेशन। अब ये देखें, अब यहां से जो है ना ये कंपाउंड 8 इसको कॉपी करना है। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेती हूँ। डॉक्टरों के नेम से और जो मिनिमाइज्ड फाइल थी वो लेनी है। ये वाली इन दोनों को जो है वो नोट पैड पे ओपन करना है। अब यहां से मॉडल वन से लेके मॉडल टू के ऊपर तक हमें कॉपी करना है। और जो मिनिमाइजेशन वाली फाइल थी ना इसमें एंड से ऊपर पेस्ट करना है। यहाँ पे जितनी भी एंड ब्रांचेस हैं इन सबको डिलीट करना है। फेस स्ट्रक्चर में मसला होता है। इसको सेव कर लेना। अब ये जो एडिटेड फाइल है ना इसको हमने ओपन करना है काइमेरा पे। अब ये देखें स्ट्रक्चर के साथ जो है वो लाइक एंड लगा हुआ है।
लेग पे जाना है, स्ट्रक्चर लाइगेंड, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। देन टूल्स पे स्ट्रक्चर एनालिसिस, फाइंड क्लैशेस, कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे जाके हमने फर्स्ट वाला और फिफ्थ वाला उसको सेलेक्ट करके डेजिग्नेट कर देना, देन ओके। यहाँ पे ओवरलैप का ऑप्शन आ जाएगा, देन अगेन ओके। नेक्स्ट एक्शन पे जाना है, एक्शन पे जाके लेबल, रेजिड्यूज, कस्टम, ये लॉक है। ये देखिए ये लुक है, विजिबिलिटी को ठीक करने के लिए ना इसको कलर दे देते हैं हम रेनबो। ये देखिए ये आ गए हमारे कंजर्व्ड जो रीजन है, ये हमारा डॉकिंग का मेन पर्पस है। थैंक यू।